myself Sabkat Malik and I am from district Bandipura. I am 11 times national player और also a gold medalist. मैंने as well as मैंने ये बाकी के जो silver medals है वो भी निकाले हैं nationals में. So मैं recently international खेल के आई हूँ जो Thailand में हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने 9th rank secured की. So अब it's a really proud moment for me कि मैं फिर एक बार अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अबू धाबी में. पेरेंट्स का मैं पहले बोलूँ कि पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तब जाके मैं अब इस लेवल पे पहुंची हूँ. क्योंकि आप देखा जाए कि आपको पता है हमारे समाज में क्या होता है, लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं मतलब जाने देते हैं इस फील्ड में. क्यों आते हैं, स्पोर्ट्स क्या देगा लड़कियों को, लेकिन ये गलत सोच होती है मतलब लोगों की. सो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया. मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि ना अगर स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहती है, इसमें कुछ अचीव करना चाहती है तो हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए इस चीज में. सो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तब जाके आज मैं इस लेवल पे हूँ. जो मेरे कोच है मुजफ्फर सर, उन्होंने स्टार्ट से ही मेरा अच्छा मतलब उसका मेन रोल रहा है सर का इस मेरी कामयाबी के पीछे. सो उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया इस फील्ड में तब जाके मैं आज इस लेवल पे. 11 नेशनल्स खेले, उसमें मैंने 6 गोल्ड निकाले, बाकी के सिल्वर मेडल निकाले मैंने. बीपीएस की बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. लड़कियों के लिए मैं यही बोलूंगी कि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि अगर वो भी किसी फील्ड में आना चाहती है लाइक स्पोर्ट मार्शल आर्ट ही क्यों ना हो, लाइक अदर गेम्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, वो अगर इस फील्ड में आना चाहती है बिना टेंशन के आ जाए. क्योंकि अगर आप लोगों की बातें सुनोगे, लोगों का काम ही है बोलना, तो अगर आप लोगों का सुनोगे तो मुझे नहीं लगता है आपके जो गोल्स है वो आप अचीव कर पाओगे. सो अगर आप में भी टैलेंट है, आप भी कुछ करना चाहते हो, आप पेरेंट्स का नाम मतलब ऊंचा करना चाहते हो, अपनी कंट्री का नाम मतलब ऊंचा करना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी घर पे ना बैठे, आप भी मेरी तरह आगे बढ़े, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें.